हमारी चिंता थी दो वक्त की रोटी। आज हमारी सरकार ने देश के गरीबों को मुफ्त राशन देकर उसे अनेक चिंताओं से मुक्त किया है। आधी रोटी खा के नारे नहीं लगाएगा। कोरोना के समय शुरू की गई ये योजना अब अगले 5 साल तक भी ये बढ़ा दी गई है। और मैं देशवासियों को वादा देता हूं, मुझे संतोष है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और मुझे ये भी पता है कि आने वाले 5 साल जो गरीबी से बाहर निकले हैं उनको भी ताकत देते रहना पड़ेगा ताकि कभी किसी कारणवश गरीबी में लौट न जाए, फिर मुसीबत में फंस न जाए। और इसलिए जो योजनाएं हैं ना उसका फायदा भी उनको मिलता रहने वाला है। एक्चुअली उनको तो ज्यादा देना आपका मन करता है क्योंकि वह हिम्मत के साथ मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए 25 करोड़ लोग 50 करोड़ भुजाएं आज मेरी साथी बन गए हैं। और साथियों, हमने सिर्फ मुफ्त राशन की व्यवस्था ही नहीं की बल्कि राशन कार्ड से जुड़ी समस्या को भी हल किया। पहले एक जगह बना राशन कार्ड दूसरे राज्य में चल ही नहीं पाता था। अगर कोई साथी काम के लिए दूसरे राज्य जाता था तो वहां उसे राशन लेने में बहुत सी मुश्किलें आती थी। हमने एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था बनाई। इससे एक राशन कार्ड पूरे देश में चलता है। अगर सोलापुर का व्यक्ति अगर चेन्नई में जाकर के कारोबार रोजी रोटी कमाता है तो राशन कार्ड नया नहीं निकालना पड़ेगा, चेन्नई में भी इसी राशन कार्ड से उसको अन्न मिलता रहेगा। और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, हर गरीब की हमेशा से चिंता रही है कि वो अगर बीमार हो गया तो फिर इलाज कैसे लगाएगा। और गरीब परिवार में अगर एकाध बार इलाज बीमारी आ गई तो मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने की उसकी सारी बातें टूट जाती हैं, वो फिर से बीमारी के कारण गरीबी के अंदर फंस जाता है, पूरा परिवार फिर संकट में फंस जाता था। इसे समझते हुए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। आशी योजना ने गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर मैं 1 लाख करोड़ रुपए की योजना घोषित कर देता तो पता नहीं 6-6 दिन तक अखबारों में हेडलाइन चलती रहती, टीवी में भी चमकता रहता। लेकिन ये मोदी की गारंटी की ताकत है। 1 लाख करोड़ रुपया इस योजना ने आपकी जेब में बचा दिया और जिंदगी बच गई हो। और आज सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाई दे रही है। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। गरीब परिवार में बीमारी होने का एक बहुत बड़ा कारण गंदा पानी भी होता है। इसलिए हमारी सरकार आज जल जीवन मिशन चला रही है, हर घर को पानी के कनेक्शन से जोड़ रही है। साथियों, इन योजनाओं का लाभ पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या पिछड़ों और जनजातीय समुदाय के लोगों की है। गरीब को पक्का घर मिले, शौचालय मिले, उसके घर में बिजली कनेक्शन हो, पानी हो, ऐसी सारी सुविधाएं, ये सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की मोदी की गारंटी है। इसी सामाजिक न्याय का सपना संत रविदास जी ने देखा था। इसी भेदभाव रहित अवसर की बात कबीरदास जी ने कही थी। इसी सामाजिक न्याय का मार्ग ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने दिखाया था, बाबा साहब अंबेडकर ने दिखाया था। मेरे परिवारजनों, गरीब से गरीब को भी आर्थिक सुरक्षा का कवच मिले, ये भी
मोदी की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक गरीब परिवार जीवन बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज उसे 2-2 लाख रुपए तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा मिली है। ये बीमा सुरक्षा मिलने के बाद, यह आंकड़ा भी आपको प्रसन्न करेगा, ये बीमा सुरक्षा मिलने के बाद 16,000 करोड़ रुपए उन गरीब परिवारों को मिले हैं जिनके परिवार में कोई मुसीबत आ गई और ये बीमा के रूप में उनके खातों में ट्रांसफर किए गए। साथियों, आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। यहां इस सभा में भी अनेक साथी ऐसे हैं जिनके पास 2014 तक एक बैंक खाता तक नहीं था। जब बैंकों में खाता ही नहीं था तो उन्हें बैंकों से लोन कैसे मिलता? जनधन योजना चलाकर हमारी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों को देश की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। आज यहां पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को भी बैंकों से मदद दी गई है और कुछ टोकन मुझे यहां देने का अवसर मिला है। 10,000 देश भर में फुटपाथ पर छोटे छोटे काम करने वाले लोग, सब्जी बेचने के लिए अपनी सोसाइटी में आकर के सब्जी बेचने वाले लोग, दूध बेचने वाले लोग, अखबार बेचने वाले लोग, रास्ते पर खड़े रहकर के खिलौने बेचने वाले लोग, फूल बेचने वाले लोग, ऐसे लाखों साथियों को पहले किसी ने पूछा नहीं था और जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उसको पूजा है। आज मोदी ने पहली बार इन्हें पूछा है, इनकी मदद के लिए आगे आया है। इन साथियों को पहले बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था क्योंकि इनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं थी। मोदी ने इनकी गारंटी ली, बैंकों से मैंने कहा कि मेरी गारंटी है, उनको पैसे दीजिए, ये गरीब लोग लौटा देंगे, मेरा गरीब पर भरोसा है। और आज बिना गारंटी को ये रेड़ी पट्टी वाले लोगों को बैंक से लोन मिल रहा है। ऐसे साथियों को अभी तक हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरे परिवारजनों, सोलापुर तो उद्योगों का शहर है, मेहनत का मजदूर भाई बहनों का शहर है। यहां निर्माण कार्य से छोटे और लघु उद्योगों से अनेक साथी जुड़े हुए हैं। सोलापुर के वस्त्र उद्योग की पहचान तो देश और दुनिया में है। सोलापुरी चादर के बारे में कौन नहीं जानता? देश में यूनिफॉर्म का काम करने वाली एमएसएमई का सबसे बड़ा क्लस्टर सोलापुर में है। मुझे बताया गया कि यहां विदेशों से भी बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म के ऑर्डर आते हैं। साथियों, कपड़े सिलने का ये काम तो अनेक पीढ़ियों से चल रहा है। पीढ़ियां बदली, फैशन बदले, लेकिन क्या किसी ने कपड़े सिलने वाले साथियों के बारे में कभी सोचा था क्या? मैं इन्हें अपना विश्वकर्मा साथी मानता हूं। ऐसे हर विश्वकर्मा साथियों का जीवन बदलने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। और कभी कभी आप मेरे जैकेट देखते हैं ना, उसमें कुछ जैकेट सोलापुर से मेरा एक साथी बना करके मुझे भेजता है, मेरे मना करने पर भी भेजता रहता है। एक बार तो मैंने उसको फोन करके बहुत डांटा, भाई तुम मुझे मत भेजो। बोले नहीं साहब, वो आज भी मुझे मिल गया है, बोले मैं लेके आया हूं। साथियों, ये विश्वकर्मा योजना के तहत इन साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आधुनिक उपकरण दिया जा रहा है। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए इन्हें बैंकों से बिना गारंटी दिए
लाखों रुपए का ऋण भी मिल रहा है। इसलिए मैं सोलापुर के सभी विश्वकर्मा साथियों से कहूंगा, इस योजना से आप भी तेजी से जुड़िए। आजकल तो विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही है। इसमें मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इसमें आप पीएम विश्वकर्मा सहित सरकार की हर योजना से जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत आचार निर्मित साठी आत्मनिर्भर भारत बनवणे जरूरी चाहे। विकसित भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसलिए केंद्र सरकार एमएसएमईज को, छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल में जब एमएसएमईज पर संकट आया तो सरकार ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद की थी। इससे लघु उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार खत्म होने से बच पाए। आज सरकार देश के हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी चला रहा है। वोकल फॉर लोकल का अभियान भी आज हमारे छोटे उद्योगों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है। आज जिस प्रकार दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, उससे मेड इन इंडिया उत्पादकों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार के इन सारे अभियानों का लाभ सोलापुर के लोगों को हो रहा है, यहां के उद्योगों को हो रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में, अगले मेरे कार्यकाल में भारत भी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाला है। मैंने देशवासियों को गारंटी दी है कि आने वाले मेरी टर्म में मैं पहले 3 देशों में दुनिया में भारत को ला करके खड़ा करूंगा। ये मोदी ने गारंटी दी, और आपके भरोसे मुझे लगता है मेरी ये गारंटी पूरी होगी। आपके आशीर्वाद की ताकत है। अर्थव्यवस्था के इस विस्तार में सोलापुर जैसे महाराष्ट्र के हमारे अनेक शहरों की बड़ी भूमिका है। डबल इंजन की सरकार इसलिए इन शहरों में पानी और सीवेज जैसी सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रही है। शहरों को अच्छी सड़कें, रेलवे और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम तेजी गति से चल रहा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग हो या संत तुकाराम पालखी मार्ग हो, इन पर भी तेजी से काम जारी है। रत्नागिरी कोल्हापुर और सोलापुर के बीच 4-लेन हाईवे का काम भी जल्द ही पूरा होगा। आप सभी परिवारजनों ने ऐसे ही विकास के लिए हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इसी विश्वास के साथ। साथियों, आज अपना पक्का घर मिला है, इन्हें पक्का घर मिला है, उनको फिर से बधाई। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे महाराष्ट्र में पहुंचनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जो आप जयकारा बुला रहे हैं ना, ये जयकारा देश के हर गरीब में नया विश्वास पैदा करने की ताकत रखता है। बहुत बहुत